वैलिडिटी वाला टेस्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹299 में। तो जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए इससे पहले ये ऑफर गायब हो जाए। मैं गायब हुआ हूँ लेकिन ऑफर नहीं। Hello everyone. Good evening, everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, confirmation देंगे? Confirmation दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? जल्दी fast. चलिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जल्दी फटाफट सब लोग आते जाओ यार, एकदम मस्त अंदाज में, मस्त तरीके से एकदम मचाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है, क्या बात है। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे यार, सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फटाफट फास्ट, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फटाफट जल्दी से फास्ट, एक एक बच्चा, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 चलो, क्या बात है, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। चलो बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, तो इंडिया के बेस्ट AJEE इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। व्हाई इट इज बेस्ट, क्योंकि बेटा आप लोगों के प्यार में पिछले पौने दो साल में हम लोग हर दिन यहां पे मिलते हैं 4 बजे से 6 बजे तक, एक बार मिलते हैं 4 बजे से 5 बजे तक, एक बार मिलते हैं 5 बजे से 6 बजे तक, और यहां पर हम आने वाले अपने जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। पिछले पौने दो साल में ये प्रूफ हुआ है कि बेटा मेरे जितने भी एग्जाम आप लोगों के हुए हैं, कोई भी JEE एग्जाम को हमने अपनी प्रिपरेशन में नहीं छोड़ा है। चाहे कोई भी JEE एग्जाम हो, मैं आपको शो करता हूं कि हमने अपनी प्रिपरेशन में किसी भी JEE एग्जाम को आज तक नहीं छोड़ा है। अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको लेके चलता हूं इस चैनल के ऊपर, जिस चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, टेस्ट बुक का इंडिया का बेस्ट AJEE चैनल जिसको आप लोग देख रहे हो। यहां पे आप लोग देखोगे प्लेलिस्ट में, जब आप जाओगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दो साल में जो यहां पर कवर नहीं किया गया है। गाइस आप लोग देखोगे SSC IMD, ठीक है, UP Metro, देन अगर हम बात करें यहां पे, जस्ट अ मिनट, ये देखेंगे गाइस, ठीक है, ये देखेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहां पे आप लोग देखिए, ये देखिए DRDO सेप्टम, ठीक है, DRDO सेप्टम के बाद अगर हम बात करें यहां पर, है ना, SSC JEE में आप लोग देखोगे मोर देन 80 क्लासेस मैंने ली हुई हैं। देन उसके पहले और आते जाओगे तो DRDO दिखेगा, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर गाइस मैंने 197 क्लासेस ली हुई हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं गाइस हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। और भी जाते जाओगे तो आपको देखने को मिलता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन। ये तो ये वाला पेज, इसलिए सारे नहीं दिखते यहां पे, बट आप अपने फोन में देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को हम लोगों ने कवर किया है। और गाइस इस बार इसी तरीके से हम लोग जिन एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं उनमें पहला एग्जाम आप लोगों का आता है, इनमें पहला एग्जाम गाइस आप लोगों का आता है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। सर कौन सा एग्जाम है, तो जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, एक सेकंड को, हां चलो वीडियो कहां चली गई, हां ये, तो इस बार जो एग्जाम हम लोग कवर कर रहे हैं गाइस वो है आपका यूपी मेट्रो, वो आप लोगों का एग्जाम है, वेस्ट बंगाल PSC, महाजैन को ANJEE और DRDO, एंड एक और एग्जाम है गाइस, और वो है आपका मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर। इन सारे एग्जाम्स को गाइस इस बार हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और मैं वादा करता हूं इन पांचों एग्जाम के अंदर अंदर आपको मेरे इन्हीं सेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक ये होता आया है, आगे भी होता रहेगा। बस आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, जिस एनर्जी के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिस कॉन्टेंट के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं, बस ये एनर्जी आपकी बनी रहनी चाहिए, ठीक है, ये एनर्जी आप लोगों की बनी रहनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे यहां पे जो शायद मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, रिसेंटली एक दो चार दिन या कुछ 10-15 दिन से मुझे देखे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे बारे में, शायद आप लोगों ने मेरी क्लासेस तो देखी होंगी बट मैं अपने बारे में भी आपको बता देता हूं। गाइस मायसेल्फ मोहित कासनिया, और मैं पिछले 6 साल से इंडिया के हर एक बच्चे को इलेक्ट्रिकल AJEE पढ़ा रहा हूं, लाखों बच्चों को अभी तक पढ़ा दिया है, 9 बार गेट एग्जाम क्लियर किया है गाइस, SSC JEE क्लियर किया है, RRB JEE एग्जाम को क्लियर सिलेक्टेड हूं मुंबई जोन से 2015 में, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जाम सिलेक्टेड हूं, और 2 पब्लिक सेक्टर्स में भी सिलेक्टेड हूं, RVNL एंड RCPDCL, एंड ऑल्सो क्लियर MPPSC AE एग्जाम 2 times। तो गाइस ये मेरा जो था वो मैंने बता दिया, जो कि किसी काम का नहीं होता, लेकिन कभी कभी बच्चे पूछते हैं तो मैं
जनरल बता देता हूं, कभी महीने दो महीने में एक आध बार बता दिया ठीक है, बस उससे कोई मतलब नहीं है आपको। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस जितने भी बच्चे मेरी अभी क्लास देख रहे हैं और जो बच्चे वाकई में जेन्युइनली चाहते हैं वेस्ट बंगाल पीएससी की तैयारी करना जो कि अप्रैल में है, यूपी मेट्रो की तैयारी करना और यार महाजैन को एईजेई की तैयारी करना, तो आज आप यहां पर एक काम करोगे। क्या काम करोगे? मेरी इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मेरी इस वीडियो के नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहां लिखा है एईजेई इलेक्ट्रिकल, आज ही जाना जो वाकई में तैयारी करना चाहता है और किसी को नहीं जाना है, बाकी कोई बच्चों को नहीं जाना, जो वाकई में तैयारी करना चाहता है सिलेक्ट होना चाहता है उस बच्चों में यहां जाने की जरूरत है। यहां पे मैं कुछ ऐसी चीज आपको दिखा रहा हूं जिसमें से लाखों बच्चों ने अपनी तैयारी अभी तक करी है और कर रहे हैं। चलिए तो बेटे मेरी क्लासेस आपको 4 से 6 तो रेगुलर मिलती हैं, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक चीज मिलती है और वो है मेरा थ्योरी बेसिक्स डिटेल पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का बैच, और ये रहा वो मेरा बैच जिससे लाखों बच्चों ने अपनी तैयारी करी आज तक, इलेक्ट्रिकल जेई कंप्लीट कोर्स। आपका एग्जाम कोई भी हो जेई का, इंडिया के हर जेई एग्जाम के लिए सफिशियंट बैच है तैयारी करने के लिए, और इंडिया के हर एई एग्जाम के लिए ये वाला बैच रहा। तो ये दोनों बैच गाइस आपके सामने, ये दोनों बैच आपके सामने इसी के अंदर आप लोगों को मिलते हैं, इन दोनों बैच से आपको पढ़ाई करनी है। इसके अलावा और आपको यहां पे क्या मिलता है, जैसे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर और क्या मिलता है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो गाइस आप लोगों को यहां पर इसके अलावा जो मिलता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है आप लोगों के लिए, वो क्या है, इंडिया के जो और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि निम्बस लर्निंग हो गया, इंजीनियर्स अकेडमी हो गया, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म हो गया, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट हो गया, ये चारों इंस्टीट्यूट का कंटेंट भी अब आपको टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पर मिलता है, इन सारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स का कंटेंट भी अब आपको टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पर मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे एक बच्चे के मन में होगा कि सर मुझे ना मुझे आरआरबी की भी तैयारी करना है, तो बेटा आरआरबी जेई के लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ने अपने सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बैच प्रोवाइड किया है, ये आप लोग यहां पे देख सकते हो ठीक है, तो आप और वो भी मेरा ही बैच प्रोवाइडेड है, ये आप लोग देख सकते हो, मेरा आरआरबी जेई का बैच यहां पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको, तो इसके लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी। इसके अलावा नॉन टेक्निकल के लिए हमने आपको इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करके दे दिए हैं कि आपका नॉन टेक्निकल इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और क्या मिलता है सर? इसके अलावा मिलती है रेगुलर डाउट क्लासेस, रेगुलर डाउट क्लासेस, रेगुलर पीवाईक्यू सेशन डिस्कशन, रेगुलर स्ट्रेटेजी सेशन, रेगुलर करंट अफेयर्स, रेगुलर लाइव मॉक सेशन, ये सारी चीजें आपको रेगुलर मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेगुलर यहां पर आप लोगों को सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज इसी सब्सक्रिप्शन में आपकी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा गाइस मैं बात करूं तो इसका प्राइस जो कि एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा ये सारी चीजें तो सुन लेता है लेकिन उसको एक मन में लगता है कि ये जो सर बता रहे हैं ये लेने की इच्छा भी है, पढ़ने की भी इच्छा है, लेकिन क्या मैं इतने पैसे दे पाऊंगा? बहुत सारे लिखे हुए हैं यहां पे, अगर किसी बच्चों को दिख रहा हो तो बहुत पैसे, मैं होता तो लेता ही नहीं इसको, इतने पैसे कौन देगा भाई, पापा देते हैं इतने पैसे नहीं। तो यहां पे आप लोग देखोगे 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको आज, क्योंकि आज अंतिम अवसर सेल है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और 24 महीने के साथ एक्स्ट्रा 12 मंथ वैलिडिटी मिल रही है। अब आप बोलो सर ये वाला तो हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि सीधे से बात है सर 36 महीने तक लेके क्या करेंगे, हमें एक साल में पेपर क्लियर करना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मत लीजिए उसको। सर 12 मंथ वाला ले सकते हैं क्या? 18 महीने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल आप जा सकते हैं, बट एक रिकमेंडेड बैच है आप लोगों के लिए। हमेशा 6 मंथ वाला 6 मंथ के लिए मिलता है, लेकिन इस बार वो 9 मंथ के लिए आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ 4,999 में। सर बहुत प्राइस है सर, नहीं ले पाऊंगा सर, नहीं ले पाऊंगी सर। चलिए तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक चीज मिलती है, अगर आप परचेज करने के पहले टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कोड जिसको आप बोलते हो मोहित के, यूनिवर्सल कोड इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये एसएससी बैंकिंग डिफेंस यूपीएससी इंश्योरेंस पुलिस टीचिंग ट्रेनिंग गेट ईएससी एईजेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवेज यूजीसी नेट सीयूईटी एंड टीचिंग एग्जाम्स, टेस्ट बुक का कोई भी कोर्स हो सब जगह ये एप्लीकेबल होता है। तो बाकी लोगों को भी आप बता सकते हैं अगर आपके घर के अंदर और दूसरे दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वाले अगर बच्चे हैं तो। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है यहां पे जितने भी कूपन कोड आपको लिख रहे हैं इन सभी कूपन कोड से ज्यादा डिस्काउंट ये प्रोवाइड करता है। और जब ये डिस्काउंट प्रोवाइड करता है तो आप लोग देख लीजिएगा अभी 4,999 का है, और जब मैं अप्लाई कूपन करने जाऊंगा, जब मैं यहां पे अप्लाई कूपन करने जाऊंगा इसी को तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहां पे जरा देखना भाई, ये जी तो ये गाइस मैं यहां पे अप्लाई कूपन कोड करने जा रहा हूं MOHITK, स्मॉल में डालो कैपिटल में डालो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ये देखिए तो जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ये सिर्फ 3,249 का हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बेटा अब अगर ये ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली ये
कम प्राइस का है, ठीक है। तो 9 महीने के लिए अगर कोई 3000 का कोर्स आपको मिलता है, वो भी इंडिया का बेस्ट AEJEE का कोर्स, तो मुझे लगता है उसमें पढ़ना चाहिए। और उसके बावजूद भी वो प्लीज वो सारे बच्चे उसको परचेस मत करना जिनके मन में थोड़ी सी भी ये चीज है कि नहीं सर हमें तो क्लियर करने का ऐसा कोई मन है नहीं, मतलब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा वाला है तो आप बिल्कुल भी इस अमाउंट को वेस्ट ना करें, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि नहीं सर मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं आपको बोलूंगा गो फॉर दिस, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे फटाफट, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे फटाफट। इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर बुकॉल्स रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, एक ट्रांसफॉर्मर के केस में बुकॉल्स रिले क्यों प्रोटेक्ट, बुकॉल्स रिले किस काम आती है, एक ट्रांसफॉर्मर के केस में बुकॉल्स रिले का काम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, एक ट्रांसफॉर्मर के केस में बुकॉल्स रिले का काम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, किस काम आती है, क्या प्रोटेक्ट करने के काम आती है, जल्दी बता दो, एक बुकॉल्स रिले क्या प्रोटेक्ट करने के काम आती है, जल्दी बता दो, चले मैं नहीं दिख रहा हूं कुछ बच्चों को, पता है मेरे को मैं नहीं दिख रहा हूं, अभी दिखूंगा ना, रुक तो जाओ, चलो। तो बेटा एक बुकॉल्स रिले, और मोहित सर की क्लास में क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, और बेटा एक्सप्लेनेशन भी दोनों में मिलेगा। तो मेरे जितने भी उत्तरी भारतीय बच्चे हैं, जो उत्तरी भारतीय से बिलोंग, उत्तर भारतीय के बच्चे हैं जो उत्तर भारतीय भारतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो डायरेक्टली मुझसे हिंदी में पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी मेरे दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया, दे कैन इजिली, दे कैन एबल टू आस्क मी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन इंग्लिश, आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश ऑल्सो, बट यू हैव टू पुट सम मैसेज इन चैट बॉक्स, सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, देन आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश ऑल्सो। चलिए बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चों ने कर लिया, सारे बच्चे मेरे आ गए हैं, तो मैं बढ़िया तरीके से रुका हुआ था इतनी देर के लिए। चलिए तो बेटा आ जाते हैं, पेस में करते हैं। एक केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर बुकॉल्स रिले लगाई जाती है बेटा किसके लिए, इनसिपिएंट फॉल्ट के लिए। बुकॉल्स रिले वो रिले होती है जो गैस एक्टिवेटेड रिले होती है, जब आपके ट्रांसफॉर्मर में लोड बढ़ जाता है तो आपके ट्रांसफॉर्मर में हीट ज्यादा डेवलप होती है, जब ट्रांसफॉर्मर में हीट ज्यादा डेवलप होती है तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर है ना तेल गर्म होता है, तेल गर्म होता है तो उसमें से गैसेस निकलती है, और उन गैसेस को, गैसेस की वजह से क्या होती है, बुकॉल्स रिले बनाई जाती है। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट, द कॉज The dash causes a real power loss in the conductor of our transmission line. बेटा कौन ऐसा है जो ट्रांसमिशन, टीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा नहीं है तो इस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। नीतू रोज 4 से 6 बजे तक मैं यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप शायद अभी 5 बजे वाले सेशन में आयो, अगर आप 4 बजे वाले सेशन में रहते डेली तो आप कभी ऐसा नहीं बोलते। बेटा 4 बजे से 5 बजे तक वाले सेशन में एग्जैक्ट टीओ लेवल के क्वेश्चन है, और 5 से 6 बजे वाले लेवल में भी एग्जैक्ट टीओ के क्वेश्चन है, या तो उससे हल्का सा ऊपर है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर पे बेटा कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बनाया जिस समय था उस समय आपके MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो कंडक्ट करता है उसका नाम था व्यापम, जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का नाम ही चेंज हो गया, तो उसका प्रीवियस ईयर चेंज करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसके कंट्रोलर चेंज हो गए, जिस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी चेंज हो गई, लोग बदल गए, तो आप सोचो प्रीवियस ईयर पेपर कैसे नहीं बदलेगा, उसको बदलने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रीवियस ईयर पेपर पर कभी भी भरोसा मत करना कि जैसा पिछली बार आया था वैसे इस बार भी आया, ठीक है, दुनिया बदल गई उनकी पूरी, कहां प्रीवियस ईयर पेपर है, उनके खुद के पास नहीं रखा उनका प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए तो द कॉज ऑफ रियल पावर लॉस इन द कंडक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के अंदर अगर पावर लॉस अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है बेटा, वो होता है बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से, किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डिस्क ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबली इज, क्या मतलब है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मतलब ये, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डिस्क ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबली इज, एक सस्पेंशन इंसुलेटर के अंदर पोर्सिलेन की डिस्क लगाई जाती है, इन सारे डिस्क के पास जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो क्या इनके पास बराबर होता है या बराबर नहीं होता है, तो पहले तो बता देता हूं बराबर नहीं होता है, और बराबर जब नहीं होता है तो सबसे ज्यादा वोल्टेज होता है नीचे वाली डिस्क के पास, मतलब जो कंडक्टर के पास में होती है, और सबसे कम होता है ऊपर वाली डिस्क के पास जो कंडक्टर से सबसे दूर होती है। तो यहां पर लिखा है मैक्सिमम ऑफ यूनिट नियरेस्ट टू द टावर, मैक्सिमम ऑफ यूनिट नियरेस्ट टू द टावर सेम फॉर ऑल डिस्क या इक्वल टू ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज अक्रॉस रेटिंग, चलिए बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन, तो मैंने अभी बताया
था, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके पास देखने को मिलेगा, वो डिस्क के पास जो किसके पास है, जो जो बेसिकली कंडक्टर के पास है। सभी बच्चे एक बार सेशन को दिल से शेयर करना यार, सभी बच्चे सेशन को दिल से शेयर करना है एक बार, सेशन शेयर नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट, एक ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय, एक ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस चीज से बढ़ाया जाता है, एक ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज से बढ़ाया जाता है। तो बेटा एक ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट से, कोरोना इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से, कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट से, या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से। तो याद रखना कोरोना एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, यह भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, एक एयर सर्किट ब्रेकर में मीडियम जो एम्प्लॉय किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ आर्क के लिए, एक एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए किस मीडियम का उपयोग किया जाता है, एक एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए किस मीडियम का उपयोग किया जाता है, आर्क को बुझाने के लिए किस मीडियम का उपयोग किया जाता है। पुराने वाले क्वेश्चन में टिक गलत लगा दिया क्या, कोरोना इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, सॉरी हाँ स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक आर्क सर्किट ब्रेकर में मीडियम जिससे आर्क बुझाई जाती है वो मीडियम कौन सा होगा, वो मीडियम क्या होगा। बेटा सर्किट ब्रेकर का नाम उससे उसके अंदर आर्क बुझाने वाले के नाम के हिसाब से रखा गया है। अगर हवा से आर्क को बुझाओगे तो एयर सर्किट ब्रेकर है, अगर 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 हवा से बुझाओगे तो एयर सर्किट ब्रेकर है, गैस से बुझाओगे तो गैस सर्किट ब्रेकर है। तो ये किससे बुझाया जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर से। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेटर ऑपरेट करता है किस कंडीशन पर, एक आइसोलेटर जो होता है ये किस कंडीशन पर ऑपरेट करता है, समटाइम्स ऑन लोड एंड समटाइम्स ऑन नो लोड, या फिर हम बात करें ऑन लोड नो लोड, या हम बात करें फुल लोड, जल्दी बताएं। तो आइसोलेटर आपका कौन सी कंडीशन पर ऑपरेट करता है, तो बेटा आपका आइसोलेटर हमेशा काम करता है किस कंडीशन पर, नो लोड की कंडीशन पे। आपका आइसोलेटर हमेशा किस कंडीशन पे काम करता है, नो लोड की कंडीशन पे, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट, एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मॉडरेटर क्या काम आता है, एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मॉडरेटर का काम क्या होता है, एक न्यूक्लियर पावर सिस्टम न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का क्या काम होता है, और मॉडरेटर का काम आप लोगों को यहां पे बताना है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटर का जो काम होता है और मॉडरेटर बनता किससे, मॉडरेटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि मॉडरेटर बेसिकली न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कम करता है, और यह बनाया जाता है हैवी वाटर से, कैसे बनाया जाता है, हैवी वाटर से, या फिर हैवी वाटर को क्या बोलते हैं, H2O नहीं बोलते, D2O बोलते हैं, और क्या से बनाया जाता है, ग्रेफाइट से, कैसे बनाया जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है चल, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ यस निकलेगा भाई दिलीप, बिल्कुल निकलेगा।
चलिए, केबल यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विसेज फ्रॉम 33 केवी टू 60 केवी। बेटा वो कौन सी अंडरग्राउंड केबल्स हैं, ठीक है, कौन सी केबल्स हैं वो फिर से बताता जाता हूं आप लोगों को, कौन सी केबल्स हैं। क्लियर, वेस्ट बंगाल का स्पेशल क्लास है, एपीओ नहीं अभी जी, यूट्यूब पर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर ही होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वेस्ट बंगाल का क्लास चल ही रहा है बेटा, वेस्ट बंगाल पीएससी का ही क्लास चल रहा है, स्पेशल क्लास है, तेरे पेपर के दिन पहले तक चलेगा, मत लोड ले। और मैराथन्स भी होंगी यूट्यूब पर, और जो पेड क्लासेस हैं वहां पे भी कुछ स्पेशल होगा, तो डेफिनेटली वी कैन डू इट, डोंट वरी। ठीक है, जैसा हमने एसएससी के टाइम किया था। तो कौन सी केबल है बेटा जो अंडरग्राउंड सर्विसेज के लिए यूज करते हैं फ्रॉम 33 केवी टू 60 केवी आर। तो 33 केवी से 66 केवी के लिए कौन सी केबल यूज करते हैं, तो 33 से 66 केवी के लिए यूज करते हैं बेटा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। कौन सी करते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। क्लियर है, यस सर। चलिए नेक्स्ट, स्किन इफेक्ट इन कंडक्टर इज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड मेजर पोर्शन ऑफ करंट इज नियर टू द कंडक्टर। क्या मतलब है क्वेश्चन का, जल्दी अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन का, अच्छे से मतलब पढ़ो जल्दी। क्या बात है, तो स्किन इफेक्ट जो कंडक्टर में होता है वो भी किसकी वजह से बेटा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से करंट का, और मेजर पोर्शन करंट का जो होता है वो नियर द कहां होता है। तो अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो इस कंडक्टर के अंदर मेजर पोर्शन जो है कंडक्टर का वो इसके सरफेस पे ही देखने को मिलता है, मेजर पोर्शन जो है कंडक्टर का वो इसके सरफेस पे ही देखने को मिलता है। और जब मेजर पोर्शन कंडक्टर का उसके सरफेस पे ही देखने को मिलता है, तो सरफेस मतलब उसके स्किन पर देखने को मिलता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं प्यार से, स्किन इफेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकॉल्स रिले प्रोटेक्ट करती है ट्रांसफार्मर को किस चीज से। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा, बुकॉल्स रिले किस चीज से प्रोटेक्ट करती है ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर को बुकॉल्स रिले प्रोटेक्ट करती है इंटरनल फॉल्ट से, या तो इंसिपिएंट फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल फॉल्ट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स एट और नियर करंट जीरो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड इज नोन एज री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, आर्क वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज। ट्रांजिएंट ऐसा ट्रांजिएंट वोल्टेज, एक ऐसा ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है, जो अपीयर होता है कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के पास ड्यूरिंग करंट जीरो, ड्यूरिंग करंट जीरो, जब करंट शून्य हो रहा होता है, मतलब समझ लो बेटा जिस समय सबसे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, मतलब सबसे कम एनर्जी जिस समय होती है उस समय सबसे ज्यादा वोल्टेज भी डेवलप होता है। तो इस समय जो वोल्टेज डेवलप होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्लियरिटी है क्या, यस सर क्लियरिटी है। चलिए, द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर, वो एलिमेंट जिसका सबसे बड़ा साइज होता है ट्रांजिस्टर के अंदर वो कौन सा होता है, जिसका सबसे बड़ा साइज होता है ट्रांजिस्टर के अंदर वो एलिमेंट कौन सा होता है। बेटा याद रखना, अगर मैं बीजेटी की बात करता हूं तो बीजेटी के अंदर मेरा ये एमिटर अगर है तो ये मेरा इतना छोटा सा बेस होता है और ये इतना बड़ा कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर सबसे बड़ा साइज का एरिया होता है, उसके बाद एमिटर होता है, देन बेस होता है। सबसे कम डोपिंग की बात करोगे तो डोपिंग में सबसे कम बेस की होती है, देन कलेक्टर की होती है, देन एमिटर की होती है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, कलेक्टर का होता है, ध्यान रखिएगा।
क्या बात, सारे बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आ गए यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिए तुम भाई। चलो, कौन सा भाई टेट्रावेलेंट है इसमें से, कौन सा जैसे टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट मतलब क्या होता है, तुमको पहले भी सिखाया है, टेट्रावेलेंट का सिंपल सा मीनिंग है, टेट्रावेलेंट का मतलब होता है क्या, टेट्रावेलेंट का एक ही मीनिंग होता है बेटा, और वो मीनिंग ये है कि जो बेसिकली क्या हो, जिसके अंदर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं, सॉरी जिनके अंदर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और जितने भी टेट्रावेलेंट है वो कौन कौन से है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, टेट्रावेलेंट। देन आता है ट्राई, और देन आता है ट्राई के बाद पेंटा। तो ट्राई में कौन कौन से आते हैं याद रख लो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और पेंटा में कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, एंटीमनी, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये सब टेट्रा, पेंटा और ट्राई सारे बता दिए भाई, 15 के 15 रटे होने चाहिए। चलो क्या बात है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो बेटा अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बनाया जाता है डोपिंग करके, किसकी है ना, उसको डोपिंग करके बनाया जाता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अगर डोपिंग की बात करते हैं तो डोपिंग किसकी की जाती है बनाने के लिए, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की। तो पी एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में और होल होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो जो हमारे होल्स हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में होते हैं। समझ में आ रहा है, यस सर। अरे समझ में आ रहा है क्या, यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। चल CMRR for an OPAM should be, CMRR जो होता है एक OPAM का वो क्या होता है, CMRR जो होता है एक OPAM का वो क्या होता है, जल्दी से सोच के बताएंगे। CMRR का मतलब क्या होता है बेटा, CMRR का मतलब होता है कॉमन मोड, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये बेसिकली होता है बेटा हमारा CMRR। अब CMRR का फुल फॉर्म होता है, सॉरी CMRR का फुल फॉर्म बता दिया, CMRR जो होता है वो इनफाइनाइट होता है आइडियल ओपेम के लिए, याद रखना। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेसिकली AD अपॉन AC, ये याद रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है AD अपॉन AC, ये याद रखना। देन याद रखना कि एक CMRR की अगर हम बात करेंगे तो CMRR के अंदर याद रखना हमेशा इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है, मतलब एज लार्ज एज पॉसिबल, तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। What type of material has a energy band gap of more than 3 electron volt? अगर किसी का energy gap 3 electron volt से ज्यादा है वो कौन सा material होता है, किसी energy gap का band gap अगर 3 electron volt से ज्यादा है, सर ये क्या होता है band gap, किस सामग्री का 3 electron volt से अधिक ऊर्जा बैंक अंतराल होता है, तो अगर हम ऊर्जा बैंक अंतराल की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग को देखेंगे, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और बीच में हमारा आता है फॉरबिडन गैप, बीच में हमारा कौन आता है फॉरबिडन गैप, तो ये हमारा है फॉरबिडन गैप, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप, इसी को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या चीज होती है बताता हूं, किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के बंधन में बंधे हुए होते हैं, तो वो बेसिकली कहां रहते हैं, जब उनके अंदर एनर्जी क्या होती है बहुत कम होती है, जैसे ही बेटा उनको एनर्जी दो तो उनके अंदर एनर्जी उनकी बढ़ जाती है और वो बन जाते हैं मुक्त परमाणु यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो वो आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने में, उसी को बोला जाता है फॉरबिडन गैप। तो किसी के किसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देखने को मिलता है इंसुलेटर्स के अंदर, कहां देखने को मिलता है इंसुलेटर के अंदर। कोई आपसे पूछे सेमीकंडक्टर में कितना होता है, बोल देना चाचा क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई पूछे कंडक्टर में कितना होता है, कंडक्टर में, कंडक्टर में नहीं मालूम कितना होता ही नहीं है साला, कंडक्टर में फॉरबिडन गैप होता ही नहीं।
समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो बेटा सभी बच्चे एक बार सेशन को दिल से लाइक करेंगे यार, सभी बच्चे यहां पे अवेलेबल हैं, एक बार सेशन को दिल से लाइक करेंगे फटाफट जल्दी। माया को बहुत हंसी आ रही है एकदम, जल्दी सभी बच्चे एक बार सेशन को दिल से लाइक करेंगे एकदम तेजी से फटाफट, जल्दी से तेजी से लाइक करेंगे और लाइक करके 80 क्रॉस करेंगे फटाफट, और सेशन को तुम शेयर करो यार, शेयर नहीं किया तुमने भाई सेशन को जल्दी। देखो मैं एक तुमको बात बता दूं जीवन में, तो मानो या ना मानो एक तुमको बात सुनाता हूं, एक तुमको बात सुना देता हूं भाई जीवन में, ठीक है? एक तुमको बात सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? एक कहानी सुनाता हूं 2-3 मिनट की, ठीक है? ये एक पत्थर था और ये भी एक पत्थर था, कुछ बच्चों ने सुनी होगी मेरे मुंह से पहले, लेकिन मेरे को बड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैं सुना देता हूं। ये दो पत्थर थे, ये दो पत्थर थे, ठीक है? कुछ किसी बच्चे ने मुझसे पहले सुना होगा, रास्ते में पड़े हुए थे। एक इंसान आया, ठीक है, अकेला आदमी, इसके जीवन में कोई भी नहीं था। ये आया, इसने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो इसने देखा इसको दो पत्थर दिखे, इसने सोचा इसको दो पत्थर दिखे, तो इसके दिमाग में आइडिया आया। अब ये नॉन लिविंग थिंग, ये है लिविंग थिंग, तो इसका आइडिया इस दिमाग में आ सकता है। इस दिमाग में आया इस पत्थर से मैं क्या बना लेता हूं, शिल्प, शिल्प मूर्ति बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? मूर्ति बनाता हूं। इसके दिमाग में आइडिया आया, ठीक है? तो ये क्या किया, इन दोनों पत्थर को उठा लिया, उठा लिया दोनों पत्थर को उठा करके ये साथ में ले गया। इस जगह पर इसने सोचा कि मैं बना देता हूं एक मूर्ति, पेड़ के पास एक पेड़ भी था, यहां पे एक पेड़ भी था, एक पेड़ भी था यहां पे, पेड़ कम इंसान जानवर ज्यादा दिख रहा है, ये पेड़ है भाई, ठीक है? चलो तो एक पेड़ भी था, तो इसने सोचा यहां पर इस मूर्ति को मैं रख देता हूं, बहुत बेकार लग रहे हैं तुम लोग हंसोगे मेरे ऊपर ड्राइंग मेरी देख के, चल चलो। तो इसने सोचा कि यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसकी एक मूर्ति बना देता हूं, ठीक है? तो इसने इस पत्थर को, मूर्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पत्थर को शेप देना पड़ेगा, शेप, शेप मतलब क्या, आकार देना पड़ेगा। आकार देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से पिचकाना पड़ेगा, इधर से लंबा करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो इन दोनों पत्थरों को खूब पिटाई करी, तोड़ा पिटाई करी, तोड़ा पिटाई करी। ये पत्थर चिल्ला दिया, रोना चालू कर दिया इसने, क्या अब नहीं पिटूंगा मैं, वापस वहीं छोड़ के आओ मेरे को जहां से लेके आयो। क्या बोला? वापस वहीं छोड़ के आओ जहां से मेरे को लेके आयो, इस पत्थर बनने बोल दिया। ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, तो यहां पर मूर्ति बन गई भाई। किस पत्थर की? ये वाले पत्थर की मूर्ति यहां रखा गई, अभी यह मूर्ति रखी। ये बोला मेरे को वहीं छोड़ के आओ, वहीं छोड़ के आओ। अब क्या हुआ, ये इंसान है ना, और इंसान वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग में भी जान ढूंढ लेता है भाई। इसको बुरा लगा कि नहीं नहीं यार, इसको क्या है, इसको क्या है ना, बुरा लग रहा है, मैं इसको पीट रहा हूं, मैं इसको वापस वहीं छोड़ाता हूं, ठीक है? इसने सोचा, ये पीछे मुड़ा और इसने देखा बहुत सारे लोग इसको दिख गए। अभी बहुत सारे लोग क्यों आए? क्योंकि यहां पर रखी थी मूर्ति, और आपको भी पता है कि जहां मूर्ति हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जहां पे हम जिसमें हमको गॉड दिखने लगता है ना, इफ यू आर फ्रॉम एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन के हो और गॉड आपको पता है हर चीज में, तो आपको जिसमें गॉड दिखने लगता है आप उस चीज को पूजा करने लगते हो, उस चीज को बहुत मानने लगते हो। तो ऐसी यहां पर मूर्ति रखी है, लोग आने लगे और यहां पर इस मूर्ति की पूजा करना चालू कर दी। अभी इंसान घबरा गया, इस इंसान को बोला तुम कौन हो? तो उसने बोला मैंने ये मंदिर बनवाया है, मैंने यहां पे ये मूर्ति रखवाई। उसको बोला सुनो, हमारे लिए कैसे भी करके नारियल चढ़ाने का बंदोबस्त करो। तो उसने बोला वो कहां से लेके आऊं, पत्थर मार्केट में दो ही थे। तो इसने क्या करा, ये वाले पत्थर को यहां पटक दिया। इसको यहां पटक दिया। अब क्या हुआ, लोग आते गए, इधर क्या चढ़ाया, माला, हार, प्रसाद, मिठाई, और इस पे क्या चढ़ाया, नारियल। तो अब जीवन भर इस पे हार फूल चढ़े और जीवन भर इसके ऊपर क्या चढ़ा, नारियल, ठीक है? तो या तो पहले पिट लेते तो यहां दो मूर्ति हो जाती, या तो बाद में पिट लो। अब ये चॉइस तुम्हारी है, पहले पिट लोगे तो बाद में हार तो नहीं बोलती है, बाद में मिठाई चढ़ जाएगी, और अगर बाद में पिटने का सोच रहे हो अपने आप को तो आराम से भी जीवन एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तुम्हारे ऊपर नारियल चढ़ेंगे, बहुत मस्त आएगा मजा एकदम, अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो
तो एक बार तो पिटना पड़ेगा। अभी चॉइस तुम्हारी है कि तुमको कब पिटना है, अभी या बाद में, ये चॉइस तुम्हारी है। इट्स योर चॉइस कंप्लीटली, समझ में आ गया? हाँ, तो ये चॉइस तुम्हारी है ना। तो अब तुम देख लो, समझ में आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, आ जाते भाई अपने सवाल के ऊपर। चलिए, तो दो कोड़े का सवाल पहले करवा चुका हूं। लक्स इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, लक्स इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी AJ सुपर कोचिंग कोर्स परचेस कर लिया, मोहित के कोड यूज करके मोबाइल फोन जीतने का चांस है या सभी जीत? मोबाइल फोन जीतने का बेटा पूरा पूरा चांसेस है। इफ यू आर अ लकी विनर, आपको मोबाइल फोन जीतने का पूरा पूरा चांस है। हर एक घंटे में एक लकी विनर निकल रहा है, और पहले भी लकी विनर निकले बेटा, ऐसा नहीं है ना। चलो, तो लक्स बेटा किसकी यूनिट है? फिजिकल क्वांटिटी की। लक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ विच यूनिट? इल्यूमिनेशन। एक इल्यूमिनेशन की यूनिट कौन सी होती है बेटा? लक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो अब यहां पर देखेंगे स्पीड टाइम कर्व जो है आप लोगों का मेन लाइन सर्विस का, इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। ये एक स्पीड टाइम कर्व है किसी भी ट्रेन का। जब ट्रेन यहां से चलती है, ये ट्रेन है, जब ट्रेन यहां से चलती है तो ये ट्रेन का स्पीड टाइम कर्व है। तो पहले ट्रेन क्या करती है बेटा? अपनी स्पीड बढ़ाती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। उसके बाद क्या करती है? जब अपनी ट्रेन एक कांस्टेंट एक अच्छी खासी स्पीड पे चली जाती है, तो ये कांस्टेंटली बहुत देर तक एक ही स्पीड से चलती है। फिर ये क्या सोचती है? अरे स्टॉप आने वाला है, तो ये पहले क्या करती है? ऊपर से सप्लाई बंद कर देती है। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा जब आप ढलान पे रहते हो, ढलान मतलब स्लोप पे रहते हो आप लोग, तो आप लोग अपनी गाड़ी को यहां पे बंद कर लेते हो। क्यों? अब लुढ़कते लुढ़कते भी चले जाओगे ना, पेट्रोल बचता है, लुढ़कते लुढ़कते चले जाओगे ना, पेट्रोल बचता है। नहीं करते हो तो आज से ध्यान दे देता हूं, कल लिया करना, पेट्रोल बच जाएगा। ऐसी ट्रेन भी क्या करती है? ऊपर से सप्लाई कनेक्ट कट कर देती है। कहां से? पेंटोग्राफ से। ताकि क्या होने लग जाए? ताकि क्या होने लग जाए? थोड़ी बहुत बिजली बच जाए। तो लुढ़कती लुढ़कती थोड़ी देर तक आगे तक पहुंचती है, फिर उसके बाद ब्रेक लगाती है तो यहां पे आ जाता है। तो ये हो गया ब्रेकिंग पीरियड, और ये जब सप्लाई कट होती है इसको बोलते हैं कॉस्टिंग पीरियड। इसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्री रन पीरियड। क्या बोलते हैं? फ्री रन। और ये होता है एक्सीलरेशन पीरियड। तो आपसे एक पूछा गया था क्या, इसके अंदर क्या पूछा था? एबी क्या है? तो एबी बेटा क्या है आपका? फ्री रन पीरियड। एबी क्या है आपका? फ्री रन पीरियड। ठीक है, चलिए चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज, बेटा वो लाइट एनर्जी जो रेडिएटेड होती है हर एक सेकेंड में, लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज। कितनी एनर्जी बेटा रेडिएट होती है पर सेकेंड? लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। और सेशन को भाई लाइक करते रहना, हर एक बच्चा 91 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग नाउ, लाइक 73 है, लाइक को तेजी से बढ़ा के एकदम 91 तक पहुंचाने का है। एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए, यही हमारा प्यार है और कुछ भी नहीं। यही एक ऐसी चीज है जिसको मैं बाद में देख सकता हूं कि हाँ ये स्टूडेंट्स ने किया है, दैट्स इट। तो यही हमारा प्यार है, यही हमारी म्यूचुअल बॉन्डिंग है। जब आपको जरूरत है मैं अवेलेबल हूं, मुझे जरूरत है आप अवेलेबल हो। चलो नेक्स्ट। लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज, फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स वो फ्लक्स होता है बेटा जब लाइट एनर्जी रेडिएटेड होती है पर सेकेंड, इसको ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट। चीप एंड टेम्पररी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज, एक चीप और टेम्पररी सिस्टम कौन सा है इंटरनल वायरिंग का? चलो जल्दी करेंगे। चीप एंड टेम्पररी वायरिंग, सबसे सस्ती और टेम्पररी। टेम्पररी कहां लगाएंगे? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, कैंप के अंदर, है ना, कहीं पे तंबू गाड़ के बैठ गए वहां लगा दिया बल्ब टांग के, है ना। तो इस तरीके से टेम्पररी वायरिंग, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे कुछ लेबर्स हैं, वो लोग रह रहे हैं, है ना, एक अपनी हट बना के उसमें बल्ब टांग दिया, टेम्पररी वायरिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये कौन सी वायरिंग होती है बेटा? सस्ती, सस्ती भी पड़ती है और टेम्पररी यूज भी करते हैं, इसको बोलते हैं क्लीट वायरिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लीट वायरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टूल इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कंडक्टर के साइज को मेजर करने के लिए? अब जैसे कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, इधर देखो ये कंडक्टर है, गधों ये कंडक्टर है, इधर देखो, गधा बोलता हूं दिल पे मत लिया करो। एक दो बच्चों को मैंने देखा कमेंट में लिख देते नीचे, ऐसे कैसे बोल देते हो आप, ये कौन सी टोन है आपकी बात करने की? भाई सॉरी यार, है ना, एज अ इंजीनियर आपको समझता हूं, है ना, और बोल देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगता, किसी और को बुरा लगता हो तो एक अलग बात है। ये भैया कंडक्टर है, देख लेना, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर का ये जो डायमीटर दिख रहा है ऊपर का, ये जो कंडक्टर है इसका जो डायमीटर दिख रहा है ऊपर का, ये जो कंडक्टर है इसका जो डायमीटर दिख रहा है ना ऊपर का, ये मोटाई, इसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इसको नापने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड वायर गेज, इसको SWG बोलते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज, इसको क्या बोलते हैं? SWG बोलते हैं। और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा?
मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? कोई और बोलता है आपको? नहीं, आपको आपको कोई और बोलेगा तो आपका दिमाग चटक जाएगा। तो यह अधिकार केवल मेरे को है। चल क्या मैं नहीं तो कौन? अच्छा चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट? इनमें से कौन सा बेटा एक नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट है? एक ऐसा एलिमेंट बताएं गाइस जो अपने आप में नॉन लीनियर है। क्या ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर है? तो मैं बता देता हूं। कंडेंसर मतलब क्या होता है बेटा? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर नॉन लीनियर नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है, इंडक्टर भी नहीं है। नॉन लीनियर कौन है? ट्रांजिस्टर। तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली कैसा है बेटा? नॉन लीनियर है। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन एक आपके सामने गिवन है, इसको जरा देखो प्यार से। यहां पे आपको बोला गया है, यहां पे आपको क्या बोला गया है, यहां पे आपके पास 50 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 नाम की क्या है? एक करंट है। और यहां पे 25 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 नाम की करंट है। तो एक करंट ये, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? जल्दी से देख के बताओ, फास्ट जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से। वारे सौरभ, वारे हैं, मेरा मेरा पेपर अच्छा नहीं जाया, ये करता है तू, वर्सेटाइल नहीं है, हैं? आजा पढ़ाई कर ले चुपचाप, सबको वर्सेटाइल बना दूंगा नहीं तो अभी मैं। चल तो यहां पे देखें गाइस, एक आपका करंट ये है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे एक रेफरेंस मान लो। ये आपने क्या मान लिया है? रेफरेंस। इस रेफरेंस को कितने डिग्री मानोगे? 0 डिग्री। इसके बाद ये लिखा है पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब क्या होता है? प्लस पाई बाय 4। तो प्लस पाई बाय 4 मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। और ये कितना हो जाता है आपका? आई वन। ये क्या लिखा है? माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब कितना होता है? 30 डिग्री। ये क्या हो जाता है आपका? आई टू। अब इन दोनों का एंगल को एड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 45 और 30, 75 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज 75 डिग्री। ऑप्शन नहीं जितला, अरे ले 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 ले, ये ऑप्शन देखो, दिखा दिखे ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज 75 डिग्री। ये ठीक है, फिर दिल पे ले लिया सौरभ, तो अभी बोला था दिल पे मत लेना कोई बात को। चल एक आरएल सर्किट है जिसका फेज डिफरेंस जो है अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट के अंदर, वो अगर फेज डिफरेंस करंट विल इंक्रीज इफ, क्या मतलब है? एक आरएल सर्किट है, ठीक है सर। और इस आरएल सर्किट के बारे में आपको क्या बोला जा रहा है बेटा, जरा वो सुनना। इस आरएल सर्किट के बारे में आपको यह बोला जाता है कि अगर इसके वोल्टेज और इसके करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है फाई, वो अगर बढ़ रहा है तो वो किसके बढ़ने से बढ़ता है? एक्सएल को बढ़ाने से बढ़ता है, आर को बढ़ाने से बढ़ता है, एक्सएल को घटाने से बढ़ता है, या सप्लाई फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से बढ़ता है? जल्दी अंतिम अवसर को हटा दे, अंतिम अवसर कैसे हट सकता है? अच्छा लगता है जब बोलना अंतिम अवसर को हटा दो। जल्दी 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 फटाफट फास्ट। तो बेटा देखो, ये जो फेज एंगल होता है, ये जो फेज एंगल होता है, ये होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन आर, ये होता है फेज एंगल। अब बेटा ये अगर तुमको बढ़ाना है तो तुमको ऊपर वाली क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा और नीचे वाली क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। ऊपर वाली क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, नीचे वाली क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो एक्स को बढ़ाना पड़ेगा तो ऑप्शन ए सही है, आर को कम करना पड़ेगा तो ऑप्शन ए सही, ऑप्शन आर को इंक्रीज लिखा गलत है, ये वाला गलत है, सरासर गलत है। एक्सएल डिक्रीज करना सरासर गलत है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम करना ना 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 ना। अब इधर बोल रहा है एक्सएल को बढ़ाने, बोल रहा फ्रीक्वेंसी कम करना, अच्छा अच्छा एक्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सएल बढ़ता है, तो ये आंसर भी सही, ये आंसर भी सही नहीं। रुक जा, नेक्स्ट। दो एसी वोल्टेज सोर्सेज हैं, ये आपके सामने गिवन है। एक वोल्टेज है आपके पास 50 एंगल 45, दूसरा वोल्टेज है 50 एंगल माइनस 45। इन दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? अरे प्यारा सवाल है भाई, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है कब? जब V1 में V2 को ऐड करेंगे। दोनों क्वांटिटी जो है वो फेजर क्वांटिटी है। फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी जल्दी।
जले मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ। ये देखो भाई, 2V1V2 cos 5। भैया सुनना इधर, रिजल्टेंट जब भी निकालना हो किसी फेजर क्वांटिटी का तो उसके दोनों फेजर क्वांटिटी के मोड का स्क्वायर कर दो और उनके बीच का यहां एंगल मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना लिखा है 50, ये भी कितना लिखा है 50, तो ये 50 का स्क्वायर हो गया प्लस 50 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 times of 50 into 50, मतलब 1/50 का स्क्वायर हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसका एंगल है प्लस 45, इसका एंगल है माइनस 45, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, अरे लल्ला 90 डिग्री हो गया। तो इतना कितना लिख लिया, कॉस 90 लिख दिया। अब देखो यहां पे जरा, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये क्वांटिटी पूरी कितनी हो गई 0, तो 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर 2/50 का स्क्वायर, तो 1/50 बाहर आ गया तो 50√2 सही आंसर हो गया। तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा 50√2, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा 50√2 इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग सचिन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है गाइस, अगर आप लोगों को देखना हो या फिर नहीं, लिमिट। Which of the following condition is not mandatory for alternators working in parallel? अगर दो जनरेटर्स को आपको पैरेलल में वर्क करना हो, दो जनरेटर्स को आपको पैरेलल में वर्क कराना हो, तो कौन सी कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, कौन सी कंडीशन इनमें से मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मतलब क्या, जरूरी नहीं है। तो भाई कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है, जरा देखो। आज पहली बार लाइव देख रहा हूं, क्या बात है सचिन भाई, रिकॉर्डेड देखा है हमेशा, अच्छा लगता है यार। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा आता है रिकॉर्डेड वाला, बोलता सर आज पहली बार लाइव देख रहा हूं, तो मिल लेता हूं उससे मैं इसी बहाने। नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है भाई, जल्दी करो। तो बेटा यहां पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अल्टरनेटर्स वर्किंग इन पैरेलल। तो एक जनरेटर अगर हमारा वर्क करता है पैरेलल में, वर्क नहीं करता, फॉर अल्टरनेटर वर्किंग इन पैरेलल कौन सी कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। अल्टरनेटर के पास सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए, अप्रूव्ड। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच मशीन मस्ट बी सेम, बिल्कुल सही बात है, अप्रूव्ड। मशीन मस्ट हैव इक्वल केवी रेटिंग, नहीं अप्रूव्ड। मशीन मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यस। तो मशीन के पास केवी रेटिंग सेम नहीं होना चाहिए, के मशीन के पास। चलिए तो याद रखिएगा, अल्टरनेटर हमारे सेम फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। तीसरा याद रखिएगा, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर डीसी शंट मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग इंप्लॉय की जाए व्हेन लोड गेज, तो एक डीसी शंट मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब लगाते हैं बेटा, जब लोड आपका ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता हो, लोड आपका वेरिएबल होता हो, लोड कांस्टेंट होता हो, या आल्सो एक्ट एज अ ब्रेकिंग फोर्स। जले आ जाओ बेटा पढ़ लो, हैं नहीं तो सही में बीमार हो जाओगे, पढ़ाई कर ले, आ जाए आगे तो अपने आप में लग रहे थे, पता नहीं कौन सी बात करते। कर लो आपस में कर लो बात, कर लो और पूछ लो क्या खाया खाने में आज, है पूछ लो खाने में क्या खाया, अभी क्या कर रहे हो, ये भी पूछ लो। पता है सामने वाला क्लास देख रहा है लेकिन फिर भी अभी क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसी ऐसी ऐसे ही हो ना आप लोग भी, हैं। हाँ तो नॉट मैंडेटरी में केविन केवी रेटिंग ही तो लगाया, नॉट मैंडेटरी में केवी रेटिंग ही तो लगाया। चलिए तो डीसी मशीन के केस में याद रखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तब लगाई जाती है जब मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो, ओवरहॉलिंग प्रोसेस, मतलब मोटर कैसी नेचर की हो, ब्रेकिंग की कंडीशन में जा रहा हो, मतलब ओवरहॉल्ड हो चुकी है और अब आपको ब्रेक अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बेटा दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे एकदम तेजी से, सभी बच्चे 101 बच्चे हो चुके हैं, फाइनली शतक हो गया है, एक बार सेशन को दिल से लाइक करेंगे मस्त तरीके से, फटाफट जल्दी से सभी बच्चे एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे मस्त तरीके से, फटाफट फास्ट, एक एक बच्चा जल्दी जल्दी सेशन को एक बार तेजी से लाइक करें, फटाफट फास्ट।
अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेटा अंतिम अवसर सेल चल रही है, और जो बच्चे जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, जो उस बैच में पढ़ना चाहते हैं जिसमें अभी तक लाखों बच्चों ने अपनी पढ़ाई करी हुई है, ठीक है, ठीक है, लाखों बच्चों ने अभी तक पढ़ाई करी हुई है, और ऐसे बच्चे जो वाकई में चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना है उनको, महाजन को यही में डीआरडीओ सेप्टम में उनको सिलेक्शन लेना है, किसके अंदर, वेस्ट बंगाल पीएससी में, और उनको सिलेक्शन लेना है यूपी मेट्रो में, आज ही एईजेई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एईजेई इलेक्ट्रिकल वाली लिंक पर क्लिक करना, और बेटा एक चीज का वादा रखना, यहां पर क्लिक करने के बाद मोहित के कूपन कोड जरूर लगा देना, वरना प्राइस कम नहीं होगी, और दूसरा यहां पे याद रखना, डेली बेटा 4 बजे से 6 बजे तक यहीं पर रहा करो, डेली 4 से 6। अभी मैं आप लोगों के लिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लेवल का कंटेंट डिजाइन कर रहा हूं, जो कंटेंट मेरे अभी तक आपको करवा रहा था वो तो है ही, बट हर दिन कुछ अलग लेवल का रात को कंटेंट डिजाइन कर रहा हूं, यकीन मानो मैं मचा दूंगा, बाजा बजा दूंगा, यकीन मानो जितने भी एग्जाम्स हैं, तो आप लोग सभी बच्चे 4 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यूअसली यहां पे अवेलेबल रहेंगे, पूरा बाजा बजा देंगे, पूरा गेम ही खत्म कर देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इलेक्ट्रिकल के अंदर, ये मैं तुमको वादा करता हूं, ठीक है, ये मैं तुमको वादा करता हूं। चलिए तो फिर मिलते हैं टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों को अपना दे देता हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल ले लीजिए, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज कॉल्ड मोहित MOHIT KASANYA SIR TEST। लिंक में नहीं देता यार, लिंक से बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाते कभी कभी, है ना, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम सर, ये नाम कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, और फिर अपन लोग मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, और सेशन को आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया है, ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, डोंट वरी, फिर मिलते हैं शतक मार देना लाइक का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।